जी तो मैं शुरू करता हूँ जरा आप सभी का ध्यान चाहूंगा इधर से जितनी भी गर्ल्स यहाँ बैठी हैं जितनी भी यहाँ पे टीचर्स बैठी हैं तो फीमेल टीचर्स हैं मैं एक्चुअली आप लोगों से बात करना चाहता हूँ मैं कोई कविता नहीं पढ़ रहा हूँ आप लोगों से बात करनी है मुझे तो प्लीज मैं चाहूंगा कि अपना ध्यान दीजिएगा आप सभी तुम फूल हो फुलवारी हो या फिर फूलों की क्यारी हो तुम रामायण की गीता सी तुम कृष्ण के भगवत गीता सी तुम रामायण की सीता सी तुम कृष्ण के भगवत गीता सी तुम गुलाब जैसी कोमल भी तलवार की तेज धारी हो तुम तीर कमान कटारी हो फिर क्यों इतनी लाचारी हो तुम नारी हो तुम नारी हो तुम सौ मर्दों पर भारी हो। बहुत शुक्रिया। जरा अपने इतिहास में हम चलते हैं दो चार लाइनें में महाभारत और रामायण से आपको सुनाना चाहूंगा कि कभी जुए में हारा तुमको कभी अग्नि में झुलसाया कभी जुए में हारा तुमको कभी अग्नि में झुलसाया देवी देवी कहने वालों ने देवी को ही तड़पाया देवी देवी कहने वालों ने देवी को ही तड़पाया केश पकड़ कर खींचा तुमको चीर हरण कर डाला था पता नहीं था कौरवों को प्रलय आने वाला था घमंड जलन की याद में देखो कौरव सारे बैठे थे और मर्द नहीं थे उस सभा में ना मर्द थे जो बैठे थे। बहुत शुक्रिया। और इन पंक्तियों पे जरा ध्यान दीजिएगा कि आप लोग रिलेट कर पाएंगे आजकल जो पता है ये जो मैंने अभी बोली ये आज के 5000 साल पहले की बात है लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला है। तब तो हुआ था चीर हरण कि बात बिगड़ी बात बदली नहीं है बात बद से बदतर हुई है तब तो हुआ था चीर हरण अब देखो इज्जत उतर रही है तब तो हुआ था चीर हरण अब देखो इज्जत उतर रही है रात को जब बाहर निकलोगी शैतान कोई पीछे होगा रात को जब बाहर निकलोगी शैतान कोई पीछे होगा आंखों में भरी हवस होगी औकात में वो नीचे होगा उस दरिंदे हैवाने फिर साए में उसको भींच लिया एक हाथ रखा सीने पर उसके और दुपट्टा खींच लिया उस दरिंदे हैवाने फिर साए में उसको भींच लिया एक हाथ रखा सीने पर उसके और दुपट्टा खींच लिया कईयों ने देखा था कईयों ने फिर भी अपना मुंह मोड़ दिया सारी रात खरोचा उसने और तड़पता छोड़ दिया सारी रात खरोचा उसने और तड़पता छोड़ दिया फिर भी ये दुनिया वाले तुमको ही दोषी ठहराएंगे। कि समाज की सोच कितनी छोटी है आप लोग इस बात से समझिएगा कि फिर भी ये दुनिया वाले तुमको ही दोषी ठहराएंगे परिवार की लाज बिगाड़ी तुमने ऐसा तुमको बतलाएंगे ये नई उम्र के लड़के हैं थोड़ा बहक गए होंगे क्यों रात में तुम बाहर निकली छोटे कपड़े पहने होंगे फिर भी ये दुनिया वाले तुमको ही दोषी ठहराएंगे ये नई उम्र के लड़के हैं थोड़ा बहक गए होंगे क्यों रात में थी बाहर निकली छोटे कपड़े पहने होंगे और तुम्हें गलत साबित करने को जहां कहां तक ले जाएंगे 10 साल की बच्ची को क्या अब ये साड़ी पहनाएंगे कि 10 साल की बच्ची को क्या अब ये साड़ी पहनाएंगे तुम ज्योति हो तुम ज्वाला हो तुम ही नरकती चिंगारी हो तुम लड़ने का हौसला रखो तुम क्यों इतनी लाचारी हो तुम नारी हो तुम नारी हो तुम सौ मर्दों पर भारी। और अब वो बात जो मैंने शुरू में कहा था आप लोगों से कि मुझे आपसे बात करनी है तो अब वो चीजें हैं जो मुझे आपसे कहनी थी और मैं चाहूंगा आप लोग बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग बहुत आगे जाएंगे आप लोग कि जब 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 धर्म का अधर्म पर भारी पड़ता है जब पाप का पुण्य पर भारी पड़ता है तब तब धर्म वापिस लाने को शस्त्र उठाना पड़ता है और देवी को नारी के रूप में धरती पर आना पड़ता है। कोई तुमको जब हाथ लगाए हो ये बात बाजार बाजार की या फिर कोई आस पड़ोसी कोई तुमको जब हाथ लगाए हो ये बात बाजार बाजार की या फिर कोई आस पड़ोसी घुमाकर थप्पड़ रख देना तुम जननी हो इस सृष्टि की उसको ये उत्तर देना तुम और तुमको कौन हरा सकता है तुम तो देवी अम्बा हो तुमको कौन हरा सकता है तुम तो देवी अम्बा हो तुम लड़ने का हौसला रखो तुम स्वयं प्रकट जगदम्बा हो।
कितने नंबर लगे। और अंत में मैं यही बात कहना चाहूंगा कि नजर ना आए दर्द किसी का इतना बेदर्द नहीं हो सकता, नजर ना आए दर्द किसी का इतना बेदर्द नहीं हो सकता, और जो ना करे सम्मान नारी का वो मर्द नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया।